कर रहे हो जी गुरद्वारा कंगन घाट बाला प्रीतम पातशाही दसवीं इस जगह के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने गंगा के सोने के कंगन सिटिया से जोड़ा कि यह दर्शाता कि उन्होंने माया का त्याग करता। यह गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग नवी बनी है तो वह परले पास वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी फतेह। अज की वीडियो शुरू करते हैं पटना साहब तो इतने आप कल शाम पहुँच गए थे तो अच्छ सू दर्शन करावे सारे गुरु घर के वीडियो ना बने रहे हो सतखंड श्री हरिमंदर साहब पटना साहब के दो गेट ने जी गलिया बच्ची आप आने इधर दी आते मेन सड़क के उत्तों की आवेंगे जी बसया हो बाल लीला गुरद्वारा साहब जोड़ा है वह राजा फतेह मैनी जी की मतलब उन्होंने महल होंगे उ गुरु गोबिंद सिंह जी खेडन जाते होंगे जी वो अलग तो बनाया गया पर इस जगह के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान है ता करके ये गुरद्वारा जोड़ा है जी सख्त सतखंड श्री हरिमंदर पटना साहब इतने बनाया हुआ जी। चोला भी इतने पिया जी जो 15 साल की उम्र के धारण किया। सामने वाला मेन गेट इधर दी आ जाता जी अभी आप उधर दी आए थे दूजे गेट इधर दी आता है आ सारी इतने रहाई सल है इधर बने पे सारे सराव गई सवेरे सवेरे सतखंड श्री पटना साहब मत्था टेकन आया ठीक है बाबा जी फिर दर्शन मेला कर लिया करना हजे कर लिया कल भी कर फिर दोबारे कर ठीक है ठीक है जी तो लोकल गुरुद्वारा साहब जाना मत्था टेकन जावे अच्छा ठीक है जी बस पुत्र जी कि ना वैसे पैदल ही जावे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी बाबू जी खालसा वाहू जी फतेह जी अपने खालसा जी ये अपने नाल ही मुंडे ने भाई जी उपर बहने आप बस हो ठीक है खालसा जी हो ठीक है जी कृपा मारे हो तुम ठीक हो जी हाँ जी खालसा जी मेन गेट आएगा तख्त श्री हरिमंदर हरिमंदर जी पटना साहब ये मेन गेट अपने गुरु घर का जी तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब लो जी संगत तो आह बसा जा नॉन ए सी तो ए सी तो ये जी बुकिंग एक दिन पहला करवानी पैंती है जिमें असी मौके पर पता किया सू मौके पर टिकट नहीं मिली पहली फुल सी तो हूँ अभी इतों टैक्सी करवा के लेके जाने गे पर जी बुकिंग एक दिन पहला होंगे जिम्मे आप लोकल गुरुद्वारे घूमने वो ना पहला बुकिंग करवानी पैंती है ये अपने मेट मेन गेट पर ही आदि है गुरुद्वारे बसा जीडिया मतलब के गुरु महाराज जी दे आउण तो भी पहले का पर थोड़ा सा इतिहास दसना पैंदा फिर पता लग जाता जिदा पहाड़ वैसे तो देखने च पहाड़ी लगता लेकिन जब इत्थे दा इतिहास पढ़ोगे तब ये पहाड़ नहीं है ये सीगा हिंदुस्तान की राजधानी आजाद शत्रु के टाइम का जेड़ा राजा सी जरासंध ये उहदा किला आप किले के अंदर और जेड़े पहाड़ ने किले दीआं द्वारां दे कंध
इतिहास तो इतने का बहुत बड़ा तो बड़ा लंबा चौड़ा है, पर यह इतिहास को ना टाइम हो गया 5-6 हज़ार वर्ष, इसका मतलब समा बहुत ज़्यादा हो गया, तो खत्म हो गए होंगे, पर नहीं, अभी भी इस किले के अंदर बहुत सारे ऐसी कीमती चीज़ा बचिया हुई दुनिया देखने आदियां ने। पर अगर वो इतिहास को देखना तो इतने कम से कम 2 दिन का टाइम चाहिए, फिर लगता पता भी बाकी इतिहास के तौर पर ना जगह बड़ा कीमती है। एक तो ये पुराना इतिहास और दूसरा ये हिंदुओं का तीर्थ हाट तीर्थ ने, और गुरबाणी च भी इसका जिक्र आता, 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परमान, वो ठाट तीर्थ ने कि नाम यदा भी आता राज ग्रह राजाओं का, और जिथे तीर्थ उथे फिर मंदिर। आ सामने ना एक लक्ष्मी नारायण का छोटा जहा मंदिर हैगा, तो हिंदू धर्म के मुताबिक लोग अज भी यही चीज़ न मानते ने कि तीर्थ में आओ और कुंड दे विच स्नान कर लो तो पाप सब खत्म हो जाते हैं। इस करके ने इत्थे बड़ी दुनिया आँदी तीर्थ करके, बाहर देखोगे ना 1,500, 200, 2,000 तक भी रोज़ आते जाते रहते, भी हम नहा लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। तो गुरु नानक महाराज जी आए तो पहले गए तीर्थ ते जाके खंडन कर दिता कि मैं तो ये चीज़ा मानते ही नहीं है, तो काम ही सारा उल्ट है। अगर जे नहाने से ही पाप खत्म होते तो डड्डू तो मच्छियाँ जे पानी च रेंदे ना उन्होंने तो मुक्ति मिल जानी सी, पर ऐसा नहीं होता। जब तक नाम नहीं जपेगा तो पाप नहीं कटेगा। हर तीर्थ में ना महाराज जी जा जाके लोगों उपदेश करते रहे, जिधर गए थड़ा बनया होया 10 मिनट का रास्ता, वो थड़े दे नाल नाल 100 गज दे एरिया उधर आ जेड़ा पहाड़ी ना सीधी जाती अख बीज तक, ये ना पहाड़ी के अंदर में सल्फर और हिंदी में कहते गंधक, और वही गंधक करके इतने पानी सारा गर्म, होर कुछ नहीं है। जब पहाड़ा तो पानी सिम के आता तो जिथे गंधक है वह पानी टकरा गया, पानी गर्म होनू आप कुंड कह दो, चाहे चश्मा कहो चाहे सोमा, 22 कुंड यदा मतलब पानी निकलता 22 जगह तो सब गर्म, तो जोड़ा 22वां है वह आप जी के नीचे, पानी तो अपने आप ही आता पर गंधक है तो सब गर्म तो ये भी गर्म, क्योंकि ये भी वो ही है। आप 5 मील का एरिया, ये 5 मील के अंदर न जमीन की खदाई करी, तो इधर पट के देखो मिट्टी मिलू 2 फुट तो पत्थर मिलेगा 200 फुट। ये सबसे मुश्किल का काम, क्योंकि पत्थर पटिया जाता ही नहीं है, और यही कारण भी सी कि इतने पानी का बोर होता ही नहीं सीगा, तो जेड़ा पानी चलता वो भी गर्म, तो गर्मी में तो गर्म पीना भी मुश्किल, पानी की दिक्कत। तो जब गुरु नानक महाराज जी आए तो लोगों ने पछाण लिया, क्योंकि साधु महात्मा तो पहली दर्शन करके आए भी वो तो रब का रूप, जो वचन कहिंदे सो पूरा हो गया। जब पता लगा तो चले आए, आके बेनती की भी आप ता परमेश्वर उपर गर्मी थले पानी गर्म, प्यास दूर नहीं होंगी दया कर। महाराज जी ने भी देख लिया दिक्कत तो है, सोमा नजदीक सी, सोमे नु इशारा कर दिता, तो सहज सुभा भी कहता भी सब तो गर्म है आता ठंडा। ये फिर गुरु नानक महाराज जी के वचन तो एक कुंड ठंडा, इतने गिणोंगे तो 22 कुंड, उसके विच 21 कुंड गर्म, और यही एक कुंड ठंडा गुरु नानक शीतल कुंड। शीतल मतलब ये है कि ठंडा है, आ ठंडा सामने मंदिर, 10 मिनट का रास्ता है, 10 कुंड कट्ठे ही वो सारे गर्म। दुनिया नहाने जाती है देख भी सकते, देखना वैसे मना नहीं हैगा, पर वो अपने सिस्टम से नहीं आता, इस करके जान की जरूरत भी नहीं है। की लोड़ है इधर 10 कुंड गर्म, इधर 7 कुंड गर्म, इतों 18 किलोमीटर आगे जाओ तो 4 कुंड,
इन्ना तेज गर्म पानी की ओनू तो हाथ भी नहीं लगता तो जो इन्ना तेज तो पीना भी मुश्किल तो फिर गुरु महाराज जी ने गर्म ठंडा किया और गुरबाणी उच्चारण की जो कि गुरु महाराज जी के अंग 23 पर सुभाए मान श्री राग महला पहला घर दूजा धन जोबन अर फूलड़ा नाठी अरे बिन चार पबन केरे पत सियो वो शब्द भी उच्चारण किया और गर्म जल न ठंडा किया इस करके कहते गुरु नानक शीतल कुंड वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अब इस जगह की उसारी जाके हूं होना शुरू होया लो जी दर्शन करवाने सू गुरु के बाग गुरद्वारा साहब आ गई गुरु तेग बहादुर जी इतने आते हैं फिर सुकया हुआ बगीचा जोड़ा है जी वो हरा भरा हो जाता तो गुरु जी के नाम के उत्ते ही गुरद्वारा गुरु का बाग पै जाता तो वो इतिहासिक जी भी आप इत लिखा भी हुआ जी गुरु जी का खूह ये पुरानी इटा तो नहीं है नवी इटा के उ रंग करके पुरानी दिख दी हुई है उधर शायद नलका भी लग्या हुआ जो बाल्टी है जिंद पानी उपर खिच के तुम भाई चूला छक सकते हो एज अमृत अमृत के रूप के लंगर पानी चल रहा है जी तो परले पासे सरोवर आप पहले सानू दरबार हाल के दर्शन करवा दिए चल रही है जी कार सेवा दिल्ली वाले वालों चल रही है तो यह आ गुरु जी के वेले का दरख्त निम का दातन करके उन्होंने कहें गड्डिया से उस बाद निम हरा भरा हो गया आ देखो जी इतने लिखा हुआ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने निम की दातन करके इतने गड्डी सी तो यह दरख्त उन्होंने निशानी है खालसा जी ठीक हो कितों आए तुम संगरूर तो ही संगरूर कहे शहर तो अपने मलेरकोटले ठीक है असं भी संगरूर तो ही आए मैं सुनाम तू आई ठीक है हाँ जी हाँ बरनाले तो बस हाँ अच्छा अच्छा आलू वाले बस ही आए हैं जी अभी ठीक है जी अच्छा असं भी उन्होंने बस ही आए आलू वाली वाले 18 तरीक चलिए अभी आइडिया नहीं है पर कड़ा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का जी लिखा नहीं हुआ भी की चीज है जी नहीं उधर लिखा है
श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी इस जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे उसकी डाली है, मतलब जोड़े इमली के पेड़ के नीचे गुरु तेग बहादुर जी बैठे से जी वह तला मतलब इतने एज ए यादगार सामभ के रखा गया गुरु साहब की निशानी उधर सरूप लगे हुआ सरूप के हम तुम दर्शन कर रहे हो जी गुरद्वारा कंगन घाट बाला प्रीतम पातशाही दसवीं इस जगह के उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी ने गंगा के सोने का कंगन सिटिया से जोड़ा कि यह दर्शाता कि उन्होंने माया का त्याग करता। यह गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग नवी बनी है तो वह परले पासे है जी वो पुरानी लोकेशन जिथे एग्जैक्ट लोकेशन जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी ने कंगन सिटिया से गुरद्वारा साहब हम आप अंदर जाके दर्शन करवा देख रहे हो जी एग्जैक्ट लोकेशन है जिथे गुरु गोबिंद सिंह ने गंगा नदी के कंगन सिटे डोबे बोलते काट दे पानी च वड़ते ने हाथ मारते कड़ा ही कड़ा निकलते ने पूरा गंगा जी कड़े भरिया रहा है। महाराज जी मुस्कुराते तोती आवाज ना बोलते माता जी तुम अपना ही कड़ा पछाने दूजा कड़ा ना छेड़े हो ये सतयुग का खजाना पिया सारे संतों ने झोलिया च पैना वा तो सू झोलिया के कड़े की दात मिलती है। ये कौतक देख के डोबे भी हैरान माता जी भी हैरान जिन्हें संगत नाल जाते हैं वो भी देख के हैरान हो जाते हैं। जिधर भी डोबे हाथ मारते कड़े का गुच्छा ही निकलते सी बाहर जरा मंदिर वेख रहे हो जरा बाहर मंदिर है जो ताला लग्या होया ये सिद्ध पंडित का मंदिर है उधर पास घुमा दे दो लड्डू भर के राम भगवान दे मूर्ति सामने रख के पुकार दे सी राम जी भोग लगाओ राम जी प्रसाद छको राम जी खा लो महाराज जी दौड़ दौड़े आउंदे ने लड्डू खा के धर देंदे ने पांच छह लड्डू लैके दौड़ जांदे ने रोज वेखा लड्डू टुट के पुट के खिलड़ जांदे सी। एक दिन पंडित जी ने देखा कि जवाक बच्चा मेरा प्रसाद छक लेता है क्योंकि पंडित जी ने अद्धा खोरिया का बंद रखा सी इन्होंने जाके माता जी ने शिकायत कर देते हैं। जो महाराज जी फेर के घर पहुँचते हैं माँ बोलती बेटा तुम बुजुर्गों तंग क्यों करते हो बाजारी जी क्यों सतांदे हो कहते माँ मैं ही तो राम हाँ बाबा जी बार बार मैं पकारते हैं राम जी भोग लगाओ राम जी प्रसाद छको राम जी खा लो मैं जाके खा जाता वा भगता का अरदास प्रवान करना पैंता है माँ बच्चे को डांटती तो समझाती है बेटा तुम बुजुर्गों ना मखौल टिचड़ा ना कराया करो। फिर महाराज दूजे तीजे दिन खेलन आते हैं सिद्ध पंडित जी बह के तपस्या तो करते रहते हैं कहते बाबा जी अखा खोलो अखा खोलते हैं कहते बाबा जी तुम माता जी ने क्यों शिकायत की हो कहते बेटा जी मैं राम भगवान वास्ते लड्डू चढ़ाता वा चढ़न तो पहले प्रसाद तुम झूठा कर देंगे हो छक लेंगे हो कहते बाबा जी मैं ही तो राम हाँ तुम मैनू तो बुलाते हो कहते बेटा आप राम हो राम भगवान बन के दर्शन दियो। फिर महाराज जी चले जाते हैं खेड वास्ते दूजे तीजे दिन खेड आते हैं पंडित जी समाधि नहीं रहते हैं महाराज जी बच्चों के ना खेलते खेलते कले भजे आते हैं पंडित के मूहे खड़े हो जाते हैं कहते बाबा जी अखा खोलो अखा खोलते हैं महाराज जी राम भगवान जी बन के खड़े रहते हैं माता चरण फाल लेंगे महाराज उधार करो मुक्ति करो मैं चरनी ला लो मजना चरनी ला लेंगे ने पटना के धरती से महाराज सत साधक रहते हैं। जो तो आप पटना छोड़ के चले जाते हैं सिद्ध पंडित जी जिंदा रहते हैं उन्होंने भी नाल लै जाते हैं सिद्ध पंडित का अंतिम सांस आनंदपुर साहब से आते हैं। साल में एक दिन वास्ते गंगा माता एक कंध में चरण छून आती है सावन भादर से गंगा आती है ऐसी सावन में तीन रात गंगा ठहरिया गंगा एक बार टच करके फिर चले जाती है ये तो बाद गंगा नहीं चढ़ती है या सावन से आएंगे या भादुर से आएंगे गंगा ने एक बार चरण छूना है कानून राजी खुशी नाल यात्रा करते आयो राजी खुशी नाल परमात्मा घर के जन दास अरदास करता है नानक नाम चढ़दी कला मेरे पाणे सबदा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Thank you.
ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਆ ਨਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਹਿਬ